नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस सरकार की उन जांचों के बारे में जिन्हें लेकर कांग्रेस संजीदा है और बार बार ये कहती रही है कि वो बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की जांच कराएगी। ताज़ा तरीन मामला या संदर्भ जो है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की थी उसी में संबल योजना भी थी और उसमें ऐसा आरोप है कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के माफ़ कर दिए गए हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अपात्र हैं। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से बिफर गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटका रही है। किसान कर्ज माफ़ी का मामला हो तो उस समय भी इन्होंने ये कहा कि सहकारिता में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है पर आज तक उस घोटाले की जांच का अता पता नहीं। ऐसे कई मामले सामने देखने को आए हैं कि जब सरकार को जांच पूरी कर दोषियों को दंडित करना चाहिए था और सरकार को ये बताना चाहिए था कि किस योजना में कहाँ गड़बड़ी हुई है, वो तो हो ही नहीं पाया। व्यापम की बात कर लें तो उस पर कुछ नहीं हुआ, डंपर घोटाले की बात कर लें तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ और यहाँ सब कांग्रेसी नेता जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं बात करूँ अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस से प्रवक्ता हैं राम पांडे जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में वशेष शर्मा जी हैं, वो यहाँ अपने दृष्टिकोण से हमें अवगत कराएंगे। सबसे पहला सवाल राम जी आपसे बनता है, कांग्रेस के नेताओं ने आज मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये कहा है कि संबल घोटाले में 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें बीजेपी के ही कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया गया है या अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है, क्या कहना है? बीजेपी के केवल संबल घोटाला ही नहीं है, और भी कई घोटाले हैं। नर्मदा घोटाला है, सिंगर्स घोटाला है, खनन घोटाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमारी सरकार आई है, जनता ने हमारी सरकार को जो चुना है वो विकास के लिए चुना है। जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था है या जो रोजगार की समस्या है, उद्योग धंधे जो चौपट हो गए हैं, तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो प्रदेश का स्तर सबसे नीचे आ गया है उसको बढ़ाया जाए, प्रदेश को समृद्ध बनाया जाए, प्रदेश का विकास किया जाए। और कांग्रेस पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने CBI और ED को सारे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं के पीछे लगा दिया गया है। हम इन घोटालों की जांच करेंगे और घोटालों की जांच हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं घोटालों की जांच में समय लगता है, जांच होने के बाद ही मामला कोर्ट में जाता है, तो हम अपना पूरा समय इन घोटालों की जांच में बर्बाद नहीं करना चाहते। जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन उसमें एक समय लगता है। हमारा मुख्य फोकस है कि हम विकास के कार्यों पर ध्यान दें। बिल्कुल, यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि 7,000 करोड़ का घोटाला है, ये आपकी नज़र में घोटाला है या नहीं है? देखिए, जो समाचार पत्रों में छपा है कि 71 लाख अपात्र लोगों को संबल योजना का लाभ दिया गया और उसमें से 56 लाख भाजपा के पन्ना प्रभारी हैं और कुल 2,16,000 लोगों को इस संबल योजना का लाभ मिला है और सरकार 6,900 करोड़ के नुकसान में गई है। मैं चाहूँगा ये गवर्नमेंट जो 21 लाख लोगों का लोन 10 दिन में, मतलब सरकार 10 दिन में इनका लोन माफ़ कर सकती है, 71 लाख को आप FIR तो दो, आप उनके ऊपर केस तो शुरू करो। आप कह रहे हो जैसे आपने कहा कि व्यापम प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो 71 लाख लोगों से पंगा ले लें तो 2 करोड़ मतदाता वैसे ही बीजेपी के पाले में चले जाएं, ऐसा? अरे हम ये नहीं कह रहे, जो आरोप लगाया हम वो कह रहे हैं, सिद्ध करिए। अच्छा,
मतलब आप जब 21 लाख लोगों को 10 दिन में, राहुल जी ने बोला था कि हम 10 दिन में लोन माफ कर देंगे, अरे भाई तो 71 लाख लोग और उसमें से 56 लाख बीजेपी के पन्ना प्रभारी, आपके तो कर्तव्य है कि जब आप जनता के बीच में ऐसी घोषणा करते हो तो आप नोटिस तो इशू करो, FIR तो लॉन्च करा दो। इतना तो आप मेरे ख्याल से करोगे तो जनता के हित में होगा, स्टेट के एक्सचेकर के हित में होगा, और वसूली शुरू कर दो, बस इतनी सी तो बात है। रोक कौन रहा है, किसने हाथ पकड़े? आपने कहा हम पौधारोपण घोटाला जांच करेंगे, सीएस घोटाला जांच करेंगे, व्यापम घोटाला जांच करेंगे। अरे आप बयानबाजी मत करो, आप तो शुरू हो जाओ। क्या लगता है विशेष जी आपको, इस संबल योजना को लेकर क्या वाकई कांग्रेस फंस गई है कि जांच की जबरन घोषणा कर दी और पता ये चल रहा है कि इतने बड़े समूह से अगर ये कहा जा रहा है कि 70 लाख लोगों को, अपात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया है, तो 70 लाख लोगों का मतलब समझ रहे हैं आपके लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग तो हो ही जाते हैं, तो क्या इतने मतदाताओं से पंगा ले सकती है कांग्रेस की सरकार? जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ये एक कल्पना रूप प्रतीत होते हैं, इसमें यदि इतनी बड़ी संख्या में है तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जांच करने का काम सरकार का है और सरकार उस निष्कर्ष पे पहुंचे। अभी तक घोटालों की एक लंबी फहरिस्त सामने लाई गई। नहीं, पर क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी संख्या में अगर घोटालेबाज भी हैं तो क्या कांग्रेस, क्या कोई भी दल इतना साहस जुटा पाएगा कि साहब 2 करोड़ 10 लाख लोगों से पंगा ले ले? 7 करोड़ मतदाताओं में यह आधी संख्या अगर इधर ही निकल गई तो वो क्या मतलब वोट तो देंगे ही नहीं कभी कांग्रेस को अगर उन पर FIR हो गई तो। इतनी बड़ी संख्या में एक तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब हकीकत है और चूंकि ये इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के आंकड़े वो किस तरीके से प्राप्त हुए हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पर्याप्त संख्या नहीं रखती, इस तरह की सच्चाई उसमें नजर नहीं आती और इतने बड़ी संख्या में यदि FIR दर्ज करेंगे लोगों के तो वो तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ जाएगी मामला, जो पार्टी जो भी सत्ता में है कि FIR दर्ज करने से उनके विरुद्ध मामला हो जाता है, जो मतदाता उनके पक्ष में नहीं रहेंगे और ये कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। और एक सवाल और कि ये जिस तरीके की एक प्रवृत्ति बनप रही है राजनीतिक दलों में, मुफ्त में बांट दो, खैरात बांट दो और दूसरी सरकारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दो, ये आपको लगता है कि ये सही चीज़ें हैं और अब इसका दुष्परिणाम जो है अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? मुफ्त में बांटने वाली बात तो कभी सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुफ्त में ली हुई चीज जो है वो उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है कि दोबारा फिर वही स्थिति पैदा हो और फिर से उस चीज को मुफ्त में लिया जा सके। जैसे किसानों का ऋण है, यदि एक बार माफ कर दिया गया तो अगली बार फिर ऋण लौटाने की कोशिश नहीं करेंगे संस्थाओं को और फिर दोबारा ये मांग करेंगे कि हमको फिर से ऋण माफी की जाए, तो ये उनकी प्रगति में सहायक नहीं होता बल्कि आपका राजकीय कोष जो है उसके लिए नुकसानदायी होता है। जो आम जनता के पक्ष में जाना चाहिए, जिस कोष को जो योजनाएं विकास की बननी चाहिए, उनका पैसा जो है वो इस तरीके से मुफ्त की योजनाओं में चला जाता है और आम जनता को फायदा नहीं मिलता। बिल्कुल, मैं यहाँ शलिन जी आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी मुफ्तखोरी के खिलाफ रही पर शिवराज सरकार में खासतौर पर देखने को मिला कि ये चीज़ फ्री दे दो, ये चीज़ फ्री दे दो, तो वो एक जो प्रवृत्ति पहले जो कांग्रेस में थी वो क्या बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गई? संबल योजना के बारे में तत्कालीन कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने कहा था कि साहब इस योजना में पैसा खर्च करने के बाद ये हालत हो जाएगी कि हम कर्ज लेने लायक भी स्थिति में नहीं रहेंगे, तो उस समय ये कहा गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी द्वारा कि सरकार बनेगी बचेगी तो ठीक है और जब हम ही नहीं बचेंगे या हमारी पार्टी नहीं बचेगी तो हम लोन वोन की चिंता क्यों करें। तो ये इस हद तक चले जाना कि जिसका दुष्परिणाम अब कांग्रेस भुगत रही है, ये ठीक था क्या कदम उस समय? देखिए, विषय अगर दलित पीड़ित शोषित एक पर्टिकुलर समूह जिसको इसकी आवश्यकता है उसके लिए अगर किया जाए, पर इसकी जनरल कैटेगराइज करके जो फिगर दिया है मुझे लगता नहीं है सही फिगर है।
नहीं वो आप मान लीजिए, चलिए वो फिगर को लेकर अपन बाद में बात कर लेंगे। आपने इस संबल योजना में 8 योजनाएं अलग अलग स्तर पर शुरू की थी कि इसमें चिकित्सा फ्री, इसमें मजदूरों को फलानी पेंशन फ्री, इसमें उनको दवा दारू फ्री, इसमें आपने बिजली फ्री। तो मतलब ये क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि फ्री में बांट दो सबको? नहीं देखिए, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य का लाभ अगर जनता को मिले इसमें बुराई नहीं है। तो फ्री में क्यों मिले? नहीं, नेचुरली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये विषय था। अब एक आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि वोट कैचिंग सोर्स के रूप में इसका यूज करना निश्चित ही जनहित में तो नहीं है। नहीं, ये आपका कहना बहुत सही है और बहुत कम नेता ऐसा कह पाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है। या मैं पांडे जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं ये कितनी कारगर साबित होती हैं, कितना ठीक रहता है ये सब? इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है ये देखना पड़ेगा। यदि आपका उद्देश्य वोट लेना है तो ये योजना गलत है। यदि आपका उद्देश्य गरीबी दूर करना है, आपका देश उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तब तो ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने एक लोकसभा चुनाव के समय न्याय योजना के बारे में बताया था। और न्याय योजना जो हमारी थी वो एक बड़ी रिसर्च के बाद निकली थी, जिसका अभी नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी भी उसमें थे और उन्होंने उसकी तारीफ भी की थी। तो कांग्रेस पार्टी जो भी योजनाएं बनाती है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, उसके पीछे एक रिसर्च रहती है। और एक वो गरीबों, चलिए मुझे रिसर्च के बारे में, गरीबों की अर्निंग जो ठीक है उसको बढ़ाना चाहती है। गरीबों की जब अर्निंग क्षमता बढ़ेगी तभी सर्कुलेशन बढ़ेगा और तभी अर्थव्यवस्था देगी। मुझे रिसर्च के बारे में बताइए, 2 लाख रुपए तक का लोन किसानों का आपने माफ करने की बात कही, ठीक है जी। और जो किसान इसमें लाभान्वित होने थे लगभग 50 लाख के आसपास, राइट, ऐसा आपने कहा जी। मेरा कहना यह है कि आपकी ही योजना, आप ही का रिसर्च, राइट, 10 दिन में आपको माफ करना था 2 लाख का लोन, ये आपके वचन पत्र में लिखा था, ये आपके हाई कमान राहुल गांधी जी ने यहाँ घोषणा पत्र में भी कहा, यहाँ जो सभाएं हुई चुनावी उनमें भी कहा कि 10 दिन में माफ नहीं हुआ 2 लाख का तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा, right। तो सवाल ये है कि जब आपकी सरकार बनी तो उसके 10 दिन बाद ही इफ एंड बट शुरू हो गए कि कोई लाल फॉर्म भरे, कोई गुलाबी भरे, कोई हरा भरे और उलझा दिया सबको। फिर आपने कहा साहब हम तो जाँच कराएंगे, सहकारिता में घोटाला हो गया 25,000 करोड़ का, पता ही नहीं है उस जांच का कहाँ है। मेरा कहना ये है, बाद में आपका ये बयान आया कि हम एक साथ 2 लाख माफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है। तो अगर आपने शोध किया था, आपने रिसर्च किया था, तो ऐसी वेग योजना क्यों लागू कर दी? 10 दिन का हमने वादा किया था और जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली थी उसी दिन पूरे किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया था। और सबसे बोल दिया गया था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, आपका पैसा सरकार देगी। अब उसके लिए जो आप लाल पीला सफेद बोल रहे हैं तो एक ये लिस्ट तो बनानी पड़ेगी कि किस किसान ने कितना कर्जा लिया है। ठीक बात है, उसके हिसाब से वो लिस्ट बनाई गई। फिर प्राथमिकता जो किसान गरीब थे जिन्होंने कम लोन लिया था उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका लोन माफ किया गया। अभी तक 30 लाख का किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं कितना, 50,000 तक का, 1 लाख तक का हो गया। पहले 50,000 का किया था, अभी तो 50 ही है, पर चलो मैं एक भी मान लेता हूँ, आपकी बात ही मान लेता हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 11 महीने में आप 1 लाख का माफ कर पाए तो झूठे तो साबित हुए ना? नहीं, आप जनता के साबित नहीं हुए, हमें प्रदेश को भी चलाना है, प्रदेश का भी विकास करना है। तो ये मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, सुन तो लीजिए। मैं हाँ, अब मैं ये मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ कि उन्होंने मुफ्त में खैरात बांटी, वो 1.5 लाख का कर्जा छोड़ गए, आपने फिर एक खैरात बांटी। हम ये किसानों को मजबूत बना रहे हैं, उनकी अर्निंग पावर बढ़ा रहे हैं। वो गरीब हैं, आत्महत्या कर रहे थे, उनके फसलों के अब बंद हुई क्या? अब बंद हुई क्या आत्महत्या? उसमें कमी आई है, नहीं, इसमें कमी आई है। एक थोड़ा सा एक नया डेटा और आप देख लीजिएगा जी, कि मेरे पास पिछले 12 दिनों का डेटा है और इसमें अलग अलग स्थानों पर 9 किसानों ने आत्महत्याएं जी, और सबका कारण एक ही है, कर्ज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उन सबके कर्जे माफ कर दिए होते जो 9 किसान हैं, ये 9 के 9 वो किसान हैं जो गरीब हैं, जैसा आपने अपना क्राइटेरिया बताया, उनके माफ नहीं हुए तो वो
फांसी के फंदे पर झूठ गए। तो मेरा कहना ये, राजनीतिकों को ऐसी घोषणाएं क्यों करना चाहिए जिनसे समस्या कम होने के बाद और बढ़ जाए। अब विकास भी ठप हो गया, आपने पैसा भी आधा माफ़ किया आधा नहीं किया, और जो लोग ईमानदारी से टैक्स जमा करते हैं, ईमानदारी से ऋण की जो किस्तें हैं वो अदा करते हैं, वो सब ठगा महसूस करते हैं अपने आप को। टैक्स पेयर का हमने पूरा ध्यान रखा है। कमलनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली थी, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेते थे तो 25-50 करोड़ रुपए तो शपथ ग्रहण में खत्म कर देते थे। हमने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जिसमें करीब कमलनाथ जी ने 25 करोड़ रुपए बचाए, और तभी से कमलनाथ जी हर कार्यक्रम को, यदि कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो वो सरकारी खर्चे पर नहीं होता जैसे भारतीय जनता पार्टी के होते थे, लाखों बसें आती थी और करोड़ों और रुपए खर्च होता। चलिए मैं तो मुद्दे की बात, मैं मुद्दे की बात ये पूछ रहा हूँ कि आपने इतना सब करने के बाद भी 1 ही लाख का, आपके अनुसार जी 1 ही लाख का कर्जा माफ कर पाए ना 11 महीने। लेकिन बैंकों को निर्देश दे दिए गए, उनको लेटर भेज दिए गए कि आपका पैसा हम देंगे आपको किसान। अरे देंगे, देखिए साहब ये बिजनेस है, बिजनेस रूल्स में बैंक आपके अधीन नहीं आती। बैंक को लेटर, वो केंद्र के, सुन लीजिए वो केंद्र सरकार है इस बात पर। अरे एग्री से मतलब नहीं, सबको नोटिस जा रहे हैं। मैं आपको कहें तो वो खबर भी दिखा देता हूँ कि अभी केनरा बैंक ने, अभी तमाम जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन्होंने ही नोटिस भेजे किसानों को, 2-2 एकड़ जमीन के किसान। तो वो तो आपकी बात मानने से रहे, नहीं वो केंद्र के अधीन आके अपनी प्रक्रिया है वो पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने अपनी प्रक्रिया पूरा कर दी है, लेकिन किसानों को विश्वास नहीं। जिन किसानों का 50,000-1 लाख माफ हो चुका है, इस कारण दूसरे किसानों को हमारे ऊपर विश्वास है कि उनका भी होगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। यदि हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हम 50,000-1 लाख भी क्यों माफ करते। मेरा कहना ये है कि देखिए, आपने किसी को खाने पे बुलाया और ये कहा कि हम आपको भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद आपने उसको आधी रोटी दी, कहने लगे चलो निकल लो, अब जब होगी तो बुला लेंगे आपको, या फिर होगी तो आपको खिला देंगे। ये एक अतिथि का भी अपमान है, उस किसान का भी अपमान है कि नहीं है? नहीं, किसी किसान का अपमान नहीं है, सारे किसान समझ रहे हैं कि जब 30 लाख का हो चुका है तो अभी कितने 10 लाख और बचे हैं, 40 लाख किसान 30 लाख बचे हैं, और वो भी अभी 1 लाख का, आप मेरे हिसाब से तो 50,000 है, पर आप कह रहे हैं 1 लाख जी, तो मैं वो भी मान लेता हूँ जी, पर संख्या 50 लाख। चलो आपके हिसाब से 50,000 भी मान लिया, लेकिन शुरुआत तो हुई है, एक स्वस्थ शुरुआत तो हुई है। उनको तो विश्वास है ना, जब 50,000 का हुआ है तो 2 लाख का भी होगा। बताइए शैलेन जी, शुरुआत तो हो ही गई, अब क्या करेंगे आप? देखिए वो कहते हैं ना, गाल फुलाना, बड़बोलापन। क्वेश्चन है, माननीय राहुल जी ने बोला था अगर 10 दिन में मुख्यमंत्री 2 लाख का कर्ज माफ नहीं करेंगे तो वो हम बदल देंगे। बाद में इन्हीं के माननीय सिंधिया जी भी यही बोले, माननीय लक्ष्मण सिंह जी ये बोले, क्या अब क्या बोले साहब, इनके खुद के ही घर में इन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं। हाँ, आपको तो जरूरत ही नहीं। नहीं, इनके विधायक कौन ने कहा है कि कमलनाथ सरकार बहुत अच्छी चल रही है? अरे आगे सुन लीजिए, राम पांडे जी वो ये कह रहे हैं प्रधान जी कि जो बात लक्ष्मण सिंह जी ने कही है, जो सिंधिया जी ने कही वो गलत है। गलत है क्या? नहीं, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही कहा है उन्होंने, ये बोला है कि भाई आगे भी जो 2 लाख है उनका भी कीजिए, तो हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, कोई बुराई नहीं है, हम अच्छे हर अच्छे कार्य का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं पाए, 50 किया एक किया तो 2 भी करेंगे। वो आपके नेता ये इनके विधायक हमारी तारीफ कर, अरे एक नेता आप ही के सुन लीजिए ना, आप दूसरों पे क्यों जा रहे हैं, अपने घर पे ही जाइए। लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए जी, मांगना चाहिए क्या राहुल गांधी जी को जी? उनके, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इनके विधायक कमलनाथ सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे कमलनाथ बहुत अच्छी, आपके आपके निंदा कर रहे हैं तो इनके भी तो हमारी तारीफ कर रहे हैं। अरे इनके तो एक हमारी निंदा कर रहे हैं तो 2 इनकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए तो एक एक से आप बराबर हो गए, जनता का कोई मतलब नहीं, आपको इसी तारीफ पे और इसी निंदा पे बराबर हो गए, छोड़ो के ना कहाँ अपन जी। उनके विचार है, उनका ये है कि हाँ जो बचा हुआ है, जो 2 लाख वाला कर्जा है वो भी माफ किया जाए, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए एक बात मैं और वो आपसे पूछना चाहूँगा कि चलिए इनने संबल योजना में खैरात बांटी तो इनकी सरकार को कुछ फायदा नहीं हुआ जी। ऐसे ही आपने एक और योजना बताई थी युवा बेरोजगारों के लिए कि 10,000 रुपये तक प्रति माह देंगे जी, ये कहाँ है योजना जी? बिल्कुल मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही बोला था कि हमारी प्राथमिकता है प्रदेश को आगे ले जाना और प्रदेश के जो विकास है उस पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना, शिक्षा पर ध्यान देना, और साथ ही साथ जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करना। तो ये कब तक युवा बेरोजगारों को पैसा मिलने लगेगा? क्योंकि आपकी एक न्याय योजना थी,
उसे सुन तो लीजिए, जनता ने सिर्फ इसलिए नकारा मध्य प्रदेश की, क्यों कह रहा हूँ दावे के साथ कि आप ही ने घोषणा पत्र 2018 में विधानसभा में ये कहा कि हम 10,000 रुपये देंगे युवाओं को, जब 5 महीने में आपने नहीं दिए तो उन्होंने पलट दिया, आपकी न्याय योजना पर विश्वास नहीं किया मध्य प्रदेश के युवा ने। 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी की, आपने कहा किसानों का पूरा करेंगे, वो भी नहीं हुआ, उसका भी एक असर रहा। अब बात ये उठती है कि ये मुफ्तखोरी के बजाय आप डेवलपमेंट पर फोकस करें, वहाँ इतना पैसा लगा देते 20,000 करोड़, तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की दिशा दशा बदल जाती? जी, मैंने आपसे बोला था कि एक रिसर्च होती है और उस रिसर्च के आधार पर ही जैसे नोबेल पुरस्कार, तो ये रिसर्च गलत हो गई ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुई है। और ये जो इलेक्शन आप बता रहे हैं ये मध्य प्रदेश का ही नहीं रहा है, पूरे देश का ही इलेक्शन बीजेपी के फेवर में गया था। उसके एक कारण नहीं है, उसके 50 कारण थे। ये अकेला न्याय 50 कारण में एक बड़ा कारण ये है कि जिन 3 राज्यों में आपने विधानसभा फतेह किया था वहाँ आप चारों खाने चित। अभी ये क्या कर रहे हैं 28 सांसद के? अरे आप इसको छोड़ दीजिए, अभी तो विषय पे आइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो लोकसभा में इतने खराब परिणाम तो नहीं आने। लोकसभा के परिणाम आने के कई कारण थे, इन्होंने एक ये भी कारण था, मानते कि नहीं खड़ा किया, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अरे एक ये कारण, इनको चुनाव लड़ना चाहिए था 15 लाख पर, चलिए इनको चुनाव लड़ना चाहिए थे 100 स्मार्ट सिटी पर। ये चुनाव किस पर लड़े? पुलवामा पे, बालाघाट पर। ये राष्ट्रवाद के पीछे ये छुप गए और उसका इनको फायदा मिल गया, मैनेजमेंट इनका सफल रहा। आपका बस इनकी जो योजना है जो 2014 फेल हो गया, आपका मैनेजमेंट जनता को भड़काने में ये सफल हुए, आपका मैनेजमेंट फेल हुआ क्या? जनता इनके झांसे में आ गई, चुनाव बालाकोट और पुलवामा के ऊपर इन्होंने जीत लिया। चलिए बताइए शैलेंद्र जी, यहाँ ये बात भी उठ रही है कि कांग्रेस भले ही माने या ना माने, इनके प्रवक्ता माने या ना माने, पर क्या जनता ये समझने लगी है कि ये जो खैरात की चीज़ें बांटी जाती हैं उस पर उसका एतबार नहीं रहा है? अब देखिए, इन्होंने तो 72,000 हर युवक को देने की घोषणा की थी चुनाव में, माननीय राहुल जी ने करी थी, हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। क्या हुआ? तो मेरा मतलब जनता जो सरकार के कार्य को देखती है, उसकी नीयत को देखती है। ये सब लफाजी जिसे वर्ल्ड कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है जनता बहुत प्रैक्टिकल है और निश्चित ऐसा है। आपके साथ भी हुआ विधानसभा चुनाव 2018 में? निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही हैं। एक जो विशेष रूप से सवर्ण समाज हमारे से नाराज हुआ, वो भी एक विषय था जिसके कारण हम 11 सीटें हमारी खराब हो गई। दोनों तो अच्छी बात आपने कही है, और दर्शक भी ये चाहते हैं कि जहाँ डिबेट हो वहाँ सही चीज़ निकल कर आए। पर आजकल ये देखने को नहीं मिलता विशेश्वर जी कि लोग विषय पर बात नहीं करना चाहते। इसका परिणाम ये हो रहा है कि वो जनता से दूर हो रहे हैं, वो मीडिया से भी दूर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी पार्टी की आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है कि अरे नेताजी हम तो कुछ भी बोलेंगे, निकल लोगे ना। ये मुफ्त में चीज देना, लोगों को प्रलोभन दे के सत्ता में आना, ये कहीं भी तर्क संगत नहीं हो सकता और नहीं ठीक। क्योंकि यदि प्रलोभन की बात सही होती है, मुफ्त में देने की बात सही होती, तो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चली संबल योजना है या दूसरी योजना है जिसमें लोगों को लाभ पहुंचाया, वो दोबारा सत्ता में आ जाती। और यदि कांग्रेस ने न्याय के बात कही थी कि हम न्याय योजना या किसानों का, तो वो पहले किसानों को उसमें यदि कहें कि वो वापसी हुई है तो फिर न्याय में क्यों नहीं हुई? तो ये चीज़ें विचारणीय हैं कि इस तरीके से प्रलोभन दे के सत्ता में वोट हासिल कर लेना, ये चीज़ सही नहीं है। दरअसल उनको सबल बनाना चाहिए, जो जिस कमजोर वर्ग के लिए आप देना चाहते हैं उनको ऐसी योजनाएं होना चाहिए कि वो कर्ज लेने या खोली की उनकी नियत ही ना रहे। बिल्कुल। या मैं राम जी आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि आप युवा नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा चाहता है कि वो मेहनत से पैसा कमाए, उसे खैरात नहीं चाहिए किसी की, उसको मुफ्तखोरी की आदत नहीं है। पर अगर राजनीतिक दल इस तरीके से घोषणाएं करेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि हमारा बजट नहीं है, हम दे देंगे, देख रहे हैं, होगा, देख लेंगे, ये आपको नहीं लगता कि आज का युवा, आज का नागरिक अब समझने लगा है राजनीतिक दलों को भी बहुत सोच समझ कर
घोषणाएं करनी चाहिए। इन्होंने संबल की योजना लागू कर दी, आपने आके उसको बंद कर दिया, पर सवाल ये है कि उसमें जो घोटाला हो गया उससे टैक्स पेयर का पैसा तो चला गया फिलहाल। जी, मैंने आपको बोला था कि हमारी जो भी योजनाएं हैं वो वोटों पर आधारित नहीं होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारे देश का विकास हो, इस पर आधारित होना चाहिए। और जैसा कि मैं न्याय योजना के बारे में बता दूं आपको, इसमें हमारे युवाओं को भी फायदा होता, जो कि ये पूरा एक सर्कल था न्याय योजना का। जब 6,000 रुपए हम गरीबों को दे रहे थे तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती, मार्केट में प्रोडक्ट वो खरीदते, जब प्रोडक्ट खरीदते तो उससे फैक्ट्रियों को फायदा होता, जब फैक्ट्रियों को फायदा होता तो फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ता, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ता तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, ये पूरा चक्र होता। आज GDP जो 7% से 5% आ गई है, GDP 7 से 9% होती, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? न्याय योजना तो अपनी है ना, हम 7% से 5% क्यों आ गए? सुनिए सही, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इन्होंने एक संबल योजना चलाई और पैसा लुटा दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, आप 7,000 करोड़ का आप ही बोल रहे हैं, हम तो बोल नहीं रहे, आप और कर देते 70,000 करोड़ का। सवाल ये है कि ये पैसा जो है आप एक बार भुगत चुके हैं, इस तरीके की लोक लुभावन घोषणाएं करने से कुछ होता जाता है नहीं, जो पैसा विकास में लगना चाहिए वो आप मुफ्तखोरी में लगा देते हैं। जैसा कि अभी विश्वेश्वर जी ने कहा, जो ईमानदारी से किसान कर्जा दे रहा है, ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, वो सब लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अब कम से कम ये समय आ गया है कि आप परिपक्व हो चुके हैं लोकतंत्र में, ऐसे दल हैं जो सबसे पुराने हैं, तो ऐसी स्टडी करिए कि फ्री में ना दें किसी को, 6,000 फ्री में देंगे तो वो काय को मेहनत करेगा, घर पे बैठ के ही पता चला वो आराम से यश कर रहा है, क्यों करेगा काम? जी, हम स्टडी करके ही करते हैं, पहले भी हमने किसानों का 70,000 करोड़ कर्जा माफ किया था और उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी थी, किसानों की भी दशा सुधरी थी, ऐसा पूर्व में हम कर चुके हैं। और उस समय भी आपको मध्य प्रदेश में बत्ती पड़ी पड़ी ना, उसके दूसरे कारण नहीं था, नहीं देखिए दो चीजें नहीं हो सकती, चुनाव हारना और जीतना केवल एक ही सब्जेक्ट पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये था कि फिर आपकी चयन गलत थे। नहीं, मैंने बोला था आर्थिक स्थिति हमारे देश की सुधरी थी, मैंने ये नहीं बोला कि हम चुनाव जीते, हमारी योजना चुनाव आधारित नहीं होती है। आप सुनिए तो सही, विकास आधारित होती है। आप सुनिए तो सही, यही बात वो भी कह सकते हैं बीजेपी वाले के, हमने भी साफ किया तो संबल योजना इसलिए था। अब आप जब ये नहीं कह सकते हैं इनकी योजना में, तो आप उठा के देखेंगे तो जितने भी जो बेनिफिशियरी होते हैं, जितने भी फायदा होता है, वो सब इनके मैक्सिमम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराते? जी, मैंने कहा ना, हमारा फोकस अभी विकास पर है, ये कार्रवाई तो साथ साथ चलती रहेगी। मतलब ये सिर्फ मजे लेने के लिए? मजे लेने के लिए नहीं है, प्राथमिकता हमारी प्रदेश का विकास है, प्रदेश का डेवलपमेंट है। बताइए प्रधान साहब, ये कांग्रेस गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के जैसा, इनका जो आंकड़ा निकल कर आया है 57 लाख लोगों पर दर्ज करा पाएगी प्रकरण? हम तो इनका सम्मान करेंगे कि अगर हमारे 57 या 56 लाख पन्ना प्रभारी, जैसा कि इनके माननीय मंत्री ने टीवी पे कहा है, और वो संबल योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि ये दर्ज कर दे ताकि वो परमानेंट आपके खाते में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट को घुमाने में एक्सपर्ट है, उन 56 लाख लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी है, कार्रवाई उन पर होगी जिन्होंने ये गलत काम किया है। तो ये आप 57 पे क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए ना, 57 लोगों को फायदा पहुंचाया है भारतीय, 57 लाख लोगों को ये बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि 57 लाख लोगों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो अरे आना चाहिए जो उस पूरे सीन के पीछे है, तो सीन के पीछे कौन है वो भी सुन लीजिए। उसमें CMD होगा कोई बिजली विभाग का, उसमें कोई प्रमुख सचिव होगा, आपने सुन तो लीजिए, आपने उन सबको प्लम पोस्टिंग दे दी, मैन दोषी वही है, उन पर कार्रवाई होगी। तो उनको आपने अभी जो है मलाईदार समय जरूरत रहते हुए अभी उतने अधिकारियों से काम लेना है, किसको कहां पोस्टिंग देना है वो अलग सब्जेक्ट है, उन पर कार्रवाई होना वो अलग सब्जेक्ट है, तो वो होगी, दोनों अलग अलग है, वो होगी, वो कार्रवाई सब पर होगी और उन्हीं पर होगी जो मेन कल्प्रेट है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। विश्वेश्वर जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई ये कार्रवाई कर पाएंगे और उन IAS अफसरों पर, जैसे इन्होंने कहा था ई टेंडर घोटाले में छोड़ेंगे नहीं हम, जैसे ही राधेश्याम जुलानिया जी का नाम आया इन्होंने अपने पैर नीचे खींच लिए कि कौन उलझे इस पर कार्रवाई करे। अब जो IAS इसमें फंसेंगे, क्या उन पर ये हिम्मत दिखा पाएंगे? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, वो उस कार्रवाई में कोई सच्चाई नहीं लगती है। और जैसा अभी भी करीब काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे IAS अफसर हैं जिनके कार्रवाई के लिए अनुमति देना है,
उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है, तो नए प्रकरण होने के तरीके से अनुमति दी। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि सरकार को तमाशा दिखाने में बड़ा मज़ा आता है, इससे समस्याओं से ध्यान उठता है जनता का, और सरकार की सत्ता चलाने की राह जो है वो आसान हो जाती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।